कुरानी मजीद का जितना भी इल्म बढ़ाएंगे ना तो उतने ही करीब हम अमल के होंगे, जितना हम अमल करेंगे ना उतने ही करीब हम जन्नत के होंगे। तो इल्म से हमको जन्नत मिलेगी। अगर हमें इल्म नहीं होगा, मिसाल के तौर पर इल्म नहीं है, एग्जाम लिखे पास कहां से होंगे भाई? इल्म लिखेंगे एग्जाम में पास होंगे तो आपको रिजल्ट पास का आएगा। एग्जाम लिखेंगे तो रिजल्ट पास का आएगा। चंद लोग ये कहते हैं कि भाई जन्नत के तीन सवालात मुझे याद है, क्या है भाई? रब कौन है, रसूल कौन है, दीन क्या है। पेपर लीक हो गया एग्जाम का, जन्नत खबर में जो एग्जाम होने वाला है उसका पेपर लीक हो गया। मुझे तीन के तीन याद है। जैसा ही मैं मरूंगा ना जन्नत में, खबर में जाके लेटूंगा, फरिश्ते आएंगे सवाल करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा, मुझे तो अच्छा अच्छा याद है। अरे मेरा हाफिजा जबरदस्त है भाई, खबर में गए तो भी नहीं भूलता हूँ मैं, इतना अच्छा हाफिजा है मेरा। हमारा ऐसा रहता ना। मगर आप जैसा खबर में जाएंगे ना, सो भूल जाते आप, आउटर वर्ल्ड पूरी खत्म, आपका आउटर, आपका बिजनेस कितना था, आप खबर में बैठ के सोचते क्या मेरा बिजनेस इतना था, अरे वहां से उनकन से मेरे को इतना खर्जा लेना था, उतना मेरे को प्रॉफिट आने वाला था, अरे मेरा बेटा जाके लिया कि नहीं, कि खबर में सोचते कुछ भी नहीं आता, कुछ भी याद ही नहीं रहता। जब खबर में ये याद नहीं रहता तो तीन सवाल जो दुनिया में याद रखे जो खबर में याद रहेंगे? नहीं याद रहेंगे। जैसा ये खबर में जाएंगे पूरी आउटर वर्ल्ड स्विच ऑफ हो जाती है, आपकी आखिरत की वर्ल्ड स्विच ऑन हो जाती। तो तीन सवाल के जवाब कैसे देंगे आप? जब आप इल्म हासिल करेंगे, उस पर अमल करेंगे, पूरी जिंदगी उस तरीके से गुजारेंगे ना, तो जब आपको खबर के सवाल दे सकेंगे आप। अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो खबर के सवाल आप देने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, आपको बांग्ला आती, उर्दू आती, हिंदी आती, इंग्लिश आती, खबर में सवाल क्या बांग्ला में होते, क्या इंग्लिश में होते, क्या उर्दू में होते, हिंदी में होते, किस में होते? अरबी में होंगे ना। तो फिर अरबी कहां से आ जाएगी आपको खबर में? अरबी कहां से आएगी? मुझे तो अरबी नहीं आती, फिर अरबी कहां से आएगी? जैसे आप खबर में जाएंगे ना, आपकी पूरी दुनिया पलट जाएगी, पूरी दुनिया आपकी स्विच, वर्ल्डली दुनिया स्विच ऑफ, आखिरत की दुनिया स्विच ऑन। तो खबर के सवालात के जवाब देने के लिए अमल करना बहुत जरूरी है। खबर में चार सवालात है, तीन क्या है? रब कौन है, रसूल कौन है, और दीन क्या है, चौथा क्या है मालूम आपको? ये तीन सवालात के जवाब दे देने के बाद चौथा सवाल फरिश्ते पूछेंगे। ये इल्म जो है ना, रब का, रसूल का और दीन का, ये इल्म तूने कहां से सीखा, ये पूछेंगे फरिश्ते। ये फरिश्ते पूछेंगे इल्म तूने कहां से सीखा? तो जब बंदा कहेगा कि मैं अल्लाह की किताब को पढ़ा हूं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ा हूं और उस पर अमल किया हूं, तभी तो जाकर मैं ये जवाब दे सका हूं। अगर वो अमल नहीं करेंगे हम, तो क्या जवाब दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे।